गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण। आज का अपना शीर्षक है प्रश्न निर्माण, प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, यानी जो मतलब प्रश्न निर्माण कैसे किया जाता है। प्रश्न निर्माण करते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का अवश्य प्रयोग करें। प्रश्न निर्माण करते समय नो कैकार का प्रयोग किया जाता है। ये नो कैकार हैं किम, पुत्र, कति, कदा, कीदृश, कथम, कुतः, कथम, किमर्थम। किम का अर्थ होता कौन या क्या। प्रथमा से सप्तमी तक तीनों लिंगों में यानी कह, कौ, के आदि के यूज में किम का प्रयोग किया जाता है। कुत्र कहाँ स्थानवाचक शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। कति कितने संख्यावाचक शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। कदा कदा कब समय एवं अवस्था वाचक के लिए प्रयुक्त होता है। कीदृश है कैसा या कैसी विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है। कथम कैसे क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त होता है। कुतः कहाँ से पंचमी व्यक्ति अथवा अलग होने के भाव में प्रयुक्त होता है। कथम कौन सा पूर्णार्थक संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। किमर्थम किस लिए अर्थम चतुर्थी विभक्ति तुमुन प्रत्यय के लिए प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के निर्माण का अभ्यास कार्य। पहला वाला स्थानवाचक शब्द के लिए कुत्र अव्यय का प्रयोग किया जाता है। सह गृहम गत्वा कार्यम करोति यानी यहाँ पर वह घर जाकर के कार्य करता है। इसका गृहम की जगह आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो वह घर जाता है, इसका प्रश्न होगा वह कहाँ जाता है, तो कहाँ को संस्कृत में बोलते हैं पुत्र। तो सह पुत्र गत्वा कार्यम करोति वह कहाँ जाकर के कार्य करता है। दूसरा वाला है खगः गगने उत्पतन्ति पक्षी आकाश में उड़ते हैं। खगः गगने उत्पतन्ति पक्षी आकाश में उड़ते हैं यानी पक्षी कहाँ उड़ते हैं, इसका प्रश्न बनाना है पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो खगः पुत्र उत्पतन्ति। दूसरा वाला संख्यावाचक शब्द के लिए कति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दशरथस्य तिस्त्रः भार्या आसन दशरथ की 3 पत्नियाँ थी। अब यहाँ पर तिस्त्रः जो शब्द है इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है कि दशरथ की कितनी पत्नियाँ थी। निश्चित संख्या है, निश्चित के लिए आता है कति। तो दशरथस्य कति भार्या आसन दशरथ के कितनी पत्नियाँ थी। कक्षायां 44 छात्रः सन्ति कक्षा में 40 छात्र हैं। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है 40 की जगह कक्षा में कितने छात्र हैं। संख्या निश्चित है इसलिए कति आएगा। तो कक्षायां कति छात्रः सन्ति कक्षा में कितने छात्र हैं। तीसरा वाला नियम है समयवाचक अथवा अवस्थावाचक शब्दों के लिए कदा शब्द का प्रयोग होता है। राम है प्रातः उत्थाय पठति अब यहाँ पर ये समयवाचक शब्द हो गया। राम है प्रातः उत्थाय पठति राम सुबह उठ करके पढ़ता है। प्रातः जो शब्द है इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो राम कब उठ करके पढ़ता है तो कब के लिए प्रयोग किया जाता है कदा। राम है कदा उत्थाय पठति राम कब उठ करके पढ़ता है। कालिदास है शेषवे मूर्ख आसित कालिदास बचपन में मूर्ख थे। अब शेषवे कब अवस्था का पता चलता है तो कब कदा कब होता है। तो कालिदास कब मूर्ख थे। आगे वाला है मम जनकः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति मेरे पिताजी सुबह 5:30 उठते हैं। तो 5:30 समय हो गया निश्चित इसके लिए आएगा कदा कब। तो मम जनकः कदा उत्तिष्ठति मेरे पिताजी कब उठते हैं। चौथा नंबर वाला विशेषण के लिए कीदृशः का प्रयोग किया जाता है। जो विशेषणवाचक शब्द होते हैं जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनके लिए पुल्लिंग में कीदृशः स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसकलिंग में कीदृशं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तन्मयः योग्य बालकः अस्ति यहाँ पर तन्मय जो है पुल्लिंग है और योग्य जो है
विशेषणवाचक शब्द है, इसलिए इसके स्थान पर कीदृश शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो तन्मय किस प्रकार का बालक है, तन्मय कीदृश बालक है अस्ति, तन्मय किस प्रकार का बालक है। तन्यः योग्या बालिका अस्ति, तन्य स्त्रीलिंग होने के कारण स्त्रीलिंग, कीदृशी तो तन्यः कीदृशी बालिका अस्ति, एतत् मधुरम आम्रम अस्ति, यह मधुर आम है। तो ये आम जो है नपुंसकलिंग है, इसलिए मधुरम की जगह कीदृशम, एतत् कीदृशम आम्रम अस्ति। पांच का है क्रिया विशेषण के लिए कथम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द हैं वो कथम से, उनके लिए कथम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अश्व वेगेन धावन्ति, घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। तो अश्व है कथम धावन्ति, घोड़े किस प्रकार से दौड़ते हैं। मेघा उच्चई गर्जन्ति, बादल ऊंची आवाज में गरजते हैं। मेघा कथम गर्जन्ति। छनमृगा चतुर्थी विभक्ति तुमुन प्रत्यय के लिए किमर्थम शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृक्षः प्रोक्काराय फलन्ति, पेड़ प्रोक्कार के लिए फलते हैं, पेड़ प्रोक्कार के लिए फलते हैं। तो प्रोक्कार किमर्थम, यानी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति के कारण किमर्थम, वृक्षः किमर्थम फलन्ति, पेड़ किस लिए फलते हैं। बालका पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तुमुन के योग में, यानी तुमुन जो प्रत्यय होता है उसमें भी किमर्थम का प्रयोग किया जाता है। तो बालका किमर्थम विद्यालयम गच्छन्ति। पूर्णार्थक संख्या के लिए कथम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रीडांगने प्रतियोगितायां शशांकः प्रथमं स्थानम् अलभत, क्रीडांगन में छात्र प्रतियोगिता में शशांक ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो ये जो कतम शब्द है ये पूर्णार्थक संख्यावाचक है, इसके स्थान पर कतम शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्री नेहरू प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्, श्री नेहरू कतम प्रधानमंत्री आसीत्। किम शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में प्रथमा से सप्तमी तक किया जाता है। गगने सूर्य दिव्यति, आकाश में सूर्य चमकता है। गगने कै दिव्यति, आकाश में क्या चमकता है। सीता पतिव्रता महिला आसित, सीता पतिव्रता महिला थी। का पतिव्रता महिला आसित, कौन पतिव्रता महिला थी। शाखायां पुष्पाणी सन्ति, डालियों पर फूल हैं। शाखायां कानि पतन्ति, डालियों पर क्या है। नौ नंबर का नियम है पृथक होने के भाव में पंचविभक्ति युक्त स्थान के लिए कुतः शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी हिमालय निर्गच्छति, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अलग होने के भाव में कुतः का प्रयोग किया जाता है। गंगा नदी कुतः निर्गच्छति, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। बालकः गृहात् आगच्छन्ति, बालक घर से आते हैं। बालकः कुतः आगच्छन्ति। तो ये है अपने प्रश्न निर्माण के कुछ नियम। धन्यवाद।